हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इसकी ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में आज हम क्या सिखाने वाले हैं आपको, आइए आपको बताता हूँ। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये मैंने ओपन किया है, इसे मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बड़ा कर लिया विंडो को और अब हम यहाँ पर एक शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे और वो शॉर्टकट की क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका मेन्यू बार है और ये आपका जो जैसे होम टैब के अंदर क्या क्या चीजें आपको आएंगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट है, क्लिपबोर्ड है, अलाइनमेंट का सेक्शन है, नंबर का है, स्टाइल का है, सेल्स का है, एडिटिंग का है, ये सारी चीजें आपको होम टैब में दिखेंगी, ठीक है। अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको फंक्शन बटन F1 प्रेस करना है। तो आप प्रेस कीजिए कंट्रोल और F1, और जैसे ही आप कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि वो पोर्शन जो खुला हुआ था वो अभी हो गया है गायब। अगर आप इसको फिर से लाना चाहते हैं तो वापिस से वही कंट्रोल और F1 प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे कि यहां पर जो होम टैब के जो टूल्स थे, जो ऑप्शंस थे, वो दोबारा से डिस्प्ले होने लगे। अगर फिर आप इसको गायब करना चाहते हैं तो कंट्रोल F1 प्रेस कर दीजिए, ये हाइड हो जाएगा और फिर यहां से कंट्रोल F1 तो फिर से ये आ भी जाएगा। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।